हेलो फ्रेंड्स, हिंदी सिनेमा के जाने माने खलनायक व चरित्र अभिनेता गोगा कपूर को शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा। गोगा कपूर कई हिंदी फिल्मों के साथ साथ धारावाहिक महाभारत में कंस के किरदार से हमेशा याद किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, गोगा कपूर का हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ क्या रिश्ता था, ये शायद ही कोई जानता होगा। दोनों के बीच के रिश्ते को जानकर आप भी अचंभित हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि गोगा कपूर का अमिताभ बच्चन के साथ क्या रिश्ता था। गोगा कपूर और अमिताभ बच्चन का रिश्ता सिनेमा में आने से पहले का था। दरअसल गोगा कपूर अमिताभ बच्चन जी की माँ तेजी बच्चन जी के साथ उनकी नाट्य संस्था में बतौर अभिनेता जुड़े थे। तेजी बच्चन जी शेक्सपियर का नाटक हैमलेट करना चाहती थी, लेकिन अपनी व्यस्तता की वजह से उन्होंने इस नाटक के निर्देशन की जिम्मेदारी गोगा कपूर को दे दी और अमिताभ बच्चन ने पहली बार गोगा कपूर के निर्देशन में उस नाटक में बतौर अभिनेता काम किया। और ऐसा कह सकते हैं कि अमिताभ बच्चन के अभिनय की यात्रा इसी नाटक से शुरू हुई। इस लिहाज से आप ऐसा कह सकते हैं कि गोगा कपूर अमिताभ बच्चन के अभिनय के पहले गुरु थे। हालांकि दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी और दोनों रिहर्सल के बाद इलाहाबाद की गलियों में खूब पार्टियां भी किया करते थे। तो दोस्तों, शायद आप समझ गए होंगे कि दोनों के बीच सिर्फ सिनेमा का नहीं बल्कि सिनेमा से पहले का रिश्ता था। गोगा कपूर अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन सिनेमा में उनके योगदान और उनकी भूमिकाओं के लिए वे हमेशा याद किए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बॉलीवुड के ऐसे ही फैक्ट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।